लगाने वाले को लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे, वे लोग इस पर कब्जा कर लेंगे, लोग बाग की हरियाली को नष्ट कर देंगे, तो पहलामा आवशे एक सुलेखु इन फूलों का नहीं करना चाहिए। तीजू बसों में लिखा होता है शांति बनाए रखिए, चढ़ते उतरते समय सावधान रहे, धूम्रपान करना वर्जित है। धूम्रपान करना वर्जित है। चलो आप लखी नाखो तो पची छे प्रश्न नंबर चार। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए। मनुष्य स्वयं को क्या समझते हैं? तो आंसर नंबर एक, मनुष्य स्वयं को गुणों की ठान समझता है। अच्छे जवाब नंबर बी छे। फूल तोड़ने वाला सज्जन ने अपनी शर्म मिटाने के लिए क्या कहा? तो फूल तोड़ने वाले सज्जन ने अपनी बिताने के लिए कहा कि यह लिखकर तख्ती टांग दी। Yeah.
विधि पीने से मना किया ना पड़े थे ने या कोई विधि पीना नहीं नहीं वो तो कहते हैं जब तक तो ही नहीं पड़ेगा जवाब नंबर चार कंडक्टर के अनुसार बस में धूम्रपान का निषेध किसके लिए है किसके लिए नहीं है तो यात्रियों के लिए है ड्राइवरों और कंडक्टरों के लिए नहीं है जवाब नंबर पांच दुकानदार ने अपने बेटे के प्रति क्या पक्षपात किया तो दुकानदार ने ग्राहक को दुकान के सामने स्कूटर होना करने से रोका अपने बेटे को नहीं बिचारे क्या पाए मेरा छोकर ने तो ना पाए नंबर छ मकान मालिक क्यों हंसने लगा मकान मालिक किराएदार के बेटे से किराएदार के बेटे से यह सुनकर हंसने लगा कहते हैं कि वे घर पे नहीं है जवाब नंबर सात बिल भरने के लिए कतार में न खड़े होने वाले सज्जन ने अपने पोतों को क्या सिखाया था तो सिखाया था कोई भी काम कभी गलत ढंग से नहीं करना चाहिए
की समा